गुरुग्राम विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी नवीन गोयल का चुनाव प्रचार जोरों शोरों से जारी है। जहां आपको बता दें कि ओम नगर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जिस तरह से उन्हें डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है, वो डरने वाले नहीं बल्कि आगे बढ़ने वाले हैं। लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है, उससे उनकी शक्ति और बढ़ रही है। उनके सामने कोई चुनौती नहीं है, सबसे बड़ी ताकत जनता है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम की जनता ही मेरा चुनाव लड़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से प्यार और आशीर्वाद लोगों ने दिया है, उससे गुरुग्राम की जीत होगी। उन्होंने कहा कि जैसे मेरा चुनाव चिन्ह कांच का गिलास पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, इस तरह मैं खुद को ट्रांसपेरेंट रखूंगा हूं। मैं गुरुग्राम की जनता की सेवा करने आया हूं और चुनावी मैदान में भी जनता के सहारे उतरा हूं। मैंने घोषणा किया तो चीफ मिनिस्टर की डिमांड में था, चीफ मिनिस्टर अनाउंसमेंट में था, मैं तो उसको पूरी करवाऊंगा। बड़ी गलत बात है कि 10 साल चीफ अनाउंसमेंट के बाद भी जो भी कारण रहे, मेरे वाले पास में कॉमेडी सेंटर नहीं बना। मैं वादा कर रहा हूँ कॉमेडी सेंटर बनाऊंगा। बहुत बड़े आशीर्वाद मिल रहा है, काम करेंगे, काम किया है गुड़गांव की जनता का, पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। किस तरह का जो है अपने सिलेक्शन में और चुनौती किसी को आप को देख रहे हो, चुनौती कुछ नहीं है, परमात्मा कृपा है। लोग धमका रहे हैं, बोर्ड फाड़ रहे हैं और हमारे ऊपर आरोप लगाने की कोशिश करेंगे, हमें जनता का आशीर्वाद। बीजेपी कैंडिडेट ने लगातार आपके निशाना साध रहे हैं, वो कह रहे हैं कांच का गिलास ऊपर से फेंकोगे टूट जाएगा। वो तो ये कह रहे थे, मैं उसके लिए कुछ बोलूंगा ही नहीं, अब क्यों बोलने लग गए, अब ऐसा क्या हो गया? वो तो मुझे सीरियस मान नहीं रहे थे, उनके सेंट्रल मिनिस्टर कह रहे थे कि 2000 वोट आएंगे, अब कांच का गिलास याद कहां से आ गया? नवीन जी, दूसरी पार्टियों में लोग भी लगातार आपके साथ जुड़ने लगे हैं। कांच का गिलास ट्रांसपेरेंस है, जैसे ऊपर है अंदर है। नवीन गोयल, नवीन जी, दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता भी आपके साथ जुड़ने लगे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? बहुत धन्यवाद करता हूँ, इस लड़ाई में जो मेरा साथ दे रहे हैं, याद रखूंगा, मान सम्मान करूंगा, उनका साथ लेके चलूंगा, उनके साथ मिलकर पॉलिसी बनाऊंगा।